शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मैं ये सब आपकी इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। यही सच है माँ, कनिका ने भी आपसे बात इसीलिए छुपाई क्योंकि वो आपसे डरती है। डर गई कि अगर आपने उसके प्यार को नहीं समझा तो, अगर आपने उसके और उस लड़के के रिश्ते को नहीं स्वीकारा। पर नियति ने भी ये बात आपसे इसीलिए ही छुपाई कि सही मौका देखकर आपको ये बात बताएगी। अगर मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा है माँ तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन माँ अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगी ना तो आप यही पाएंगी कि मैं सही कह रहा हूँ। वाह बेटा, आज जिंदगी में तुमने पहली बार सही बात कही। अरे ऐसे मौके पर कही है बेटा कि सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई मेरी। सबसे बड़ी गलत फहमी तो ये कि तुम मेरे सबसे लायक बेटे हो। हर अपनी लियाकत का इतना बड़ा उदाहरण दिया है तुमने कि मुझे आईना ही दिखा दिया। ऐसा काला आईना जिसमें तुम्हारी माँ डायन नजर आती है, उस डायन से सब डरते हैं, सब डरते हैं, उसकी इज्जत कोई नहीं करता है, पर उस डायन की सब बात मानते हैं। जानते हो बात क्यों मानते? कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो डायन खा जाएगी ना उनको, इसलिए मानते हैं। आज तक तो तुम अपनी माँ की हर बात पर हाँ माँ, आप ठीक है माँ यही कहते नजर आए थे ना, पर अच्छा हुआ तुमने सच्चाई बता दी। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम जैसे बेटे को पाकर तो मैं धन्य हो गई। नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं माँ। मैं जानता हूँ आप ये सब इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप मुझसे नाराज हैं। आप किस बात का गुस्सा बेटा? अरे गुस्सा तो अपनों से होता है, और तुम अब मेरे अपने रहे कहाँ? तुम तो इसके दिमाग से चलते हो, इसकी भाषा बोलते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बेटा, लेकिन मेरा फैसला अब भी वही है। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही इसका साथ देने वाला हूं। ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। अगर अब भी नियति आपकी नज़र में गलत है ना, तो एक गुनहगार और भी है जिसे सारी बात पता थी और फिर भी उसने आपको नहीं बताई। अगर आप उसूलों की इतनी ही पक्की है ना माँ, तो उसे भी सजा दीजिए। कौन है वो? मैं जन्म तो दिया था तीन बेटों को, पर आज से मेरे सिर्फ दो बेटे रह गए, दो बेटे।
मुझे संभालने के लिए मेरे दो बेटे काफी। किसी गैर को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कनु चुप हो जाओ, यहाँ बैठो। कनु बस अब रोना बंद करो। वैसे भी अब तुम्हारे आंसू हम सबको ये बता चुके हैं कि तुम अपनी गलती को लेकर कितना शर्मिंदा हो। गलतियां सबसे होती हैं, पर अपनी गलती पे इस तरह शर्मिंदा हर कोई नहीं होता। माँ जी ने तुम्हें कुछ कहा नहीं, इसका मतलब उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन भाभी, जो दुख मैंने माँ को दिया है वो कभी नहीं भूल पाएंगी। और नियति भाभी, क्या क्या माँ उन्हें माफ कर पाएंगी? नियति भाभी ने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, मेरी खुशियों के लिए किया। भाभी तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रही थी, माँ ने उन्हें क्यों? भाभी दिस इज नॉट फेयर। भाभी कनु, इधर देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। नियति के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सच, तुम तो सिर्फ एक बहाना हो। उसने जो कुछ भी किया है वो उसे आज नहीं तो कल इसी अंजाम पर ले जाता। तुम्हें उसकी हेल्प दिखाई दे रही है, मगर तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो जाता। जरा सोचो कनु, उसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पूरे नंबर दिए और तुमने उसके समझदारी पर विश्वास किया और उसके साथ घूमने चली गई, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो सबको पता है। कनु, अतुल तुम्हें इतनी मुसीबत में छोड़कर चला गया। तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे हाथ में बंद होते होते बची हो आज। ये कोई छोटी बात है क्या? जिसको इस बारे में पता चलेगा वो सब हंसेंगे हम पर। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? बोलो। सिर्फ और सिर्फ नियति और उसके झूठ की वजह से। हाँ दीदी, वो खुद जैसी है वैसी है, मगर उसे क्या हक है कनु को गुमराह करने का, उसे गलत रास्ते पर ले जाने का, उसका फ्यूचर बर्बाद करने का? मैं तो कहती हूँ उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे भी ज्यादा होना चाहिए। और कनु, अगर तुम्हें उससे अभी हमदर्दी है ना, तो तुम अपनी माँ की ममता का और इस घर के मान का अपमान कर रही हो। बॉस का फोन? अरे दीदी, सुबह हो गई। हेलो। जी सर, जी सर, ये सर। नहीं सर, मैं अभी आपको फोन करने ही वाली थी सर। सर मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, वो मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है। ये किस तरह की फैमिली है तुम्हारी? हाँ, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ही आई रहती है। अगर तुम्हें अपनी फैमिली की इतनी परवाह है तो तुम जॉब क्यों करती हो? आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है सर। क्या है तुम्हारा पर्सनल मामला? हाँ, बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के इतनी अच्छी जॉब हासिल करना, या पहले ही महीने में 10% की इंक्रीमेंट एक्सेप्ट करना? सर आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खूब अच्छी तरह से समझती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो इतनी सी बात नहीं समझती। तुम्हारे जैसी अंडर क्वालिफाइड और इनएक्सपीरियंस्ड औरत को मेरे जैसा बिजनेसमैन क्यों जॉब देता है, और क्यों वो तुम्हें पहले ही महीने में 10% का सैलरी इंक्रीमेंट देता है? डोंट टेल मी कि अब तुम्हें इतना भी नहीं पता कि देयर इज नो सच थिंग लाइक फ्री लंचेस। कोई भी किसी के लिए कुछ भी यूं ही नहीं करता, बल्कि वो भी बदले में कुछ चाहता है डार्लिंग। जी, और मैं भी तुमसे कुछ चाहता हूँ स्वीट हार्ट। सब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और अभी एक घंटे में होटल मेट्रो पहुँच जाओ जानू, सब समझ जाओगे। लेकिन सर मैं, अगर तुम एक घंटे में होटल मेट्रो नहीं पहुँची तो मैं समझूंगा कि तुम्हें इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अपना करियर बनाने या बिगाड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ
एक घंटे की मोहलत है। रिमेंबर होटल मेट्रो रूम नंबर 103, सिर्फ एक घंटा, बोलना मत। फर्ज के दौरान क्योंकि तुमने जो गलती की है ना, गलती की है वो गलती नहीं है, गलती नहीं है, गुनाह है, गुनाह। किस बिंदु पे आके एक बात कान खोल के सुनिए, खोल के सुनिए, आज से तुम उससे एक भी बात नहीं करोगे, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, आज से खत्म। सही कहा था मम्मी जी आपने, मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया, बहुत तकलीफ दी आपको मैंने। लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो कन्नू की हेल्प करना चाहती थी। आखिर कन्नू मेरी छोटी बहन जैसी तो है, उसे मैं नहीं समझूंगी तो। लेकिन मुझे इतने कॉम्प्लिकेटेड मामले में अकेले अकेले फैसला करने की नादानी नहीं करनी चाहिए थी, गलती तो मुझसे हुई है। लेकिन मैं गुनहगार नहीं हूं मम्मी जी, गुनहगार नहीं हूं मैं। आप मुझे डांट लीजिए, गुस्सा कर लीजिए, लेकिन आप मुझसे इस तरह से मुंह मत मोड़िए मम्मी जी। से दूर रहकर बच्चे खुश नहीं रह सकते, और ना ही माँ खुश रह सकती है अपने बच्चों से दूर रह के। हाँ मैं ऐसा ही करूंगी मम्मी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे माफी मांगूंगी, आपके पैरों में गिर जाऊंगी, आपको मुझे माफ करना पड़ेगा, आ रही हूं मैं। एक बात कान खोल के सुन ले, आज से तू मुझसे एक भी बात नहीं करेगी, तेरा मेरा रिश्ता खत्म आज से। नियति कहां जा रही हो? मम्मी जी से माफी मांगने। मत जाओ नियति, तुम्हारे लाख सर पीटने से भी कुछ नहीं होगा। रुक जाओ नियति, तुम्हें मेरी कसम। This is not fair, Ambar. तुमने मुझे अपनी कसम क्यों दी? तुम रुकी नहीं रही थी तो मैं क्या करता? इसलिए अपनी कसम दे दोगे? बल्कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए अंबर, हम दोनों मम्मी जी से माफी मांगेंगे तभी तो वो हमें माफ करेंगी। तुम नहीं चाहते हो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाए? दिल से चाहता हूँ, लेकिन हमारे माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं माँ को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि इस वक्त वो जितना गुस्से में है उनसे माफी मांगने का उन पर उल्टा ही असर होगा। हम उसे जितना सॉरी सॉरी करेंगे, जितना गिड़गिड़ाएंगे ना, उनका हमें माफ ना करने का फैसला उतना ही पक्का होता जाएगा। दिस इज सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी। इसीलिए कह रहा हूं कि बात को भी इतना तूल मत दो, माँ का गुस्सा ठंडा होने दो, कुछ दिन जाने दो, फिर चल के सॉरी बोलेंगे ना। वो हमें माफ कर देंगे क्या? Obviously, वो माँ है हमारी, हमसे जिंदगी भर थोड़ी नाराज रहेंगी। इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो, सब ठीक हो जाएगा।
जाएगा ना। कब आओगे जाने मन, तुम कब आओगे? तो तुम आ ही गई जाने मन, कुछ खबर ना मिले। वेलकम वेलकम, कम 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 ऑन स्वीट हार्ट, कम ऑन कम ऑन। क्या हुआ? जब आई गई हो तो शर्मा क्यों रही हो? वैसे भी शर्माती हुई औरत और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तुम चाहो तो शर्मा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह शिट, तुम्हें तो पूछा ही नहीं, क्या लोगी तुम? नथिंग सर, समय ड्रिंक नहीं करती। यू डोंट ड्रिंक? तुम तो वैसे इतनी नशीली हो कि तुम्हें देखकर मेरे जैसा आदमी बेकाबू हो जाता है। अगर पीने लगोगी तो पूरे नागपुर में कयामत आ जाएगी। वैसे तुम्हें आज यहां पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैसे वसूल हो गए। कितना तड़पाती थी तुम मुझे, तुम ऑफिस में आती थी और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता था, तुम्हारी चाहत में तड़पता रहता था। और आज मेरी प्यास बुझेगी। सर मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज। आप बातें भी कर लेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे।